कुछ भी नहीं आया और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि Redmi स्मार्ट बैंड को आखिर कब लॉन्च होगा। तो आगे इस वीडियो में इस रिलेटेड डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर कब तक Redmi स्मार्ट बैंड प्रो को लॉन्च किया जाएगा और क्यों इसमें लॉन्च नहीं किया गया, सारे चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सब्सक्राइब टू देखते रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको चले गए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस Redmi स्मार्ट बैंड प्रो, जैसे कि आप जानते हैं कि Redmi गाइस यहाँ पे अपने जो स्मार्ट वियरेबल्स है उसका आपको सेकेंड जनरेशन लॉन्च कर रहा है, जैसे कि Redmi वॉच 2, उसी प्रकार से Redmi स्मार्ट बैंड का एक प्रो वर्गेट लाया है Redmi स्मार्ट बैंड प्रो, जिसमें आपको काफी सारे फीचर मिलते हैं, लाइक GPS पोजिशनिंग का मिलता है। यहाँ पे गाइस इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर मिलता है, मतलब कि काफी सारे प्रो लेवल के आपको फीचर्स मिलते हैं। और ये गाइस यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों पहले टीज हुआ था, ऑफिशियली Redmi ने टीज किया था कि इसे गाइस यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा 28 अक्टूबर को अलोंग साइड Redmi Note 11 सीरीज स्मार्टफोन। लेकिन गाइस यहाँ पे अभी तक इस रिलेटेड कोई अपडेट या फिर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि गाइस यहाँ पे Redmi Watch 2, Redmi Bud 3 Lite ऐसे कुछ न्यू प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। Redmi Bud 3 Lite के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन उसे Redmi ने लॉन्च कर दिया है। लेकिन Redmi स्मार्ट बैंड प्रो को अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो इससे यही कंफर्म होता है कि Redmi स्मार्ट बैंड प्रो को लॉन्च नहीं किया गया था। आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, आप जब वीडियो देखे थे हम लोग बताए थे कि यहाँ पे गाइस इट मे कम, यानी कि हो सकता है ये लॉन्च हो, कोई कंफर्म नहीं था। तो इसी प्रकार से गाइस यहाँ पे Redmi ने कंफर्म नहीं किया था कि 28 अक्टूबर को ही लॉन्च करेगा। ये गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था, लीक हुआ था इमेजेस, तो ये अभी कंटिन्यू काम चल रहा है इस पे। लेकिन गाइस यहाँ पे आने वाला जो नेक्स्ट इवेंट है Xiaomi तरफ से या Redmi तरफ से, उसके थ्रू आपको Redmi स्मार्ट बैंड प्रो को लॉन्च किया जाएगा या फिर जब भी लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया, ये प्रॉपर कंफर्म है। यहाँ पे गाइस एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि Redmi स्मार्ट बैंड प्रो भले ही प्रो लेवल के फीचर के साथ होता है, लेकिन ये एक अफोर्डेबल फिटनेस ट्रैकर के रूप में आएगा, जिसमें आपको अफोर्डेबल फीचर रहेंगे सारे चीज, मतलब कि अफोर्डेबल प्राइसिंग के रूप में आएगा। और गाइस यहाँ पे आई होप कि बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन था, बहुत सारा कंफ्यूजन था कि आखिर Redmi स्मार्ट बैंड प्रो क्यों नहीं लॉन्च हुआ, बहुत लोग वेट भी करते रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे आई एम सॉरी, हम लोग ने वीडियो में ये भी बोला था कि इट मे कम, हो सकता है ये लॉन्च हो, कंफर्म नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से एक बार देखिएगा और गाइस यहाँ पे अगर गलती भी हो गई तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे Redmi स्मार्ट बैंड प्रो को अभी लॉन्च नहीं किया गया है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर में लॉन्च किया जाएगा। तो आप इस स्टेट में देखते रहिए, जब भी Redmi स्मार्ट बैंड प्रो से रिलेटेड कोई अपडेट चलता है मैं आपको इंस्टेंट वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या इसके फीचर से कब लॉन्च होगा। साथ ही गाइस यहाँ पे एक चीज और कि Redmi Watch 2, Redmi Bud 3 Lite इनकी गाइस यहाँ पे इंडिया में अवेलेबिलिटी के बारे में Redmi कोई डिटेल शेयर नहीं किया है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे Redmi कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री लॉन्च करता है इंडिया से, तो कुछ ही दिनों के अंदर में उसे इंडिया में लॉन्च कर देता है। तो होपफुली 2022 से पहले ही Redmi इसे इंडिया में लॉन्च कर दे, ये एक्सपेक्टेशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन काश ऐसा हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफी बेस्ट स्मार्ट वॉच है Redmi Watch 2, मैंने ऑफिशियली आपको वीडियो बना के प्रोवाइड किया है, तो आप अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा आखिर क्या है Redmi Watch 2 में और क्या है Redmi Bud 3 Lite में। डेफिनेटली आप ट्राई करिए, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। सो होप इन जाए वीडियो ठीक, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।